आज के पॉलिटिकल किस्से में हम बात करेंगे यूपी के ऐसे दबंग सीएम की जिसने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या के विवादित ढांचे की पहली ईंट गिरते ही लेटर पैड पर अपना इस्तीफा लिख दिया था, जिसने भरी मीटिंग में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कद्दावर शख्सियत को बोल दिया था कि आपका हिंदुत्व खोखला है। वो सीएम जिसकी हत्या की सुपारी कुख्यात शूटर श्री प्रकाश शुक्ला ने 6 करोड़ में ली थी। बात करेंगे हिंदुत्व के पोस्टर बॉय कल्याण सिंह की। 90 के दशक में जब पूरे देश में मंडल की सियासत अपने चरम पर थी, तब मंडल का जवाब कमंडल से देने के लिए आरएसएस ने उत्तर प्रदेश में एक ऐसे चेहरे की तलाश शुरू की जो प्रखर हिंदुत्व की धारा में अगड़ों पिछड़ों को सभी को साथ सके। कल्याण सिंह के रूप में संघ को ऐसा नेता मिला जिसने न सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति को परवान चढ़ाया बल्कि महज 1 साल में बीजेपी को उस स्थिति में ला दिया कि पार्टी ने 1991 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। सत्ता में आने के बाद कल्याण सिंह ने 2 शपथ 2 जगह ली। पहली शपथ लखनऊ में मुख्यमंत्री पद की और दूसरी शपथ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की। ऐसा था कल्याण सिंह का हिंदुत्व। कोर्ट में केस करना है तो मेरे खिलाफ करो, जांच आयोग बैठानी है तो मेरे खिलाफ बैठाओ, किसी को सजा देनी है तो मुझे दो, सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, स्वीकार करता हूं। किसी कोर्ट में केस चलना है तो मेरे खिलाफ चलाओ, किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर कोई इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ कराओ, और इसके लिए अगर कहीं कोई दंड ही देना हो तो किसी को न देकर मुझे दो। केंद्रीय गृह मंत्री शंकरराज चौहान का मेरे पास फोन आया था, मैंने उनसे कहा कि बात रिकॉर्ड करो चौहान साहब कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा। लेकिन चौहान साहब इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। ये शब्द थे कल्याण सिंह के जब अयोध्या के विवादित ढांचे के विध्वंस के पहले तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री शंकरराज चौहान का उनके पास फोन आया था। 6 दिसंबर 1992 की घटना से ठीक पहले फोन पर केंद्रीय गृह मंत्री शंकर राव चौहान ने कल्याण सिंह से कहा, तब कल्याण सिंह ने कहा कि मैं आपको ताजा जानकारी दे रहा हूं कि वो मस्जिद को गिरा रहे हैं। मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। ऐसे थे कल्याण और ऐसा था उनका हिंदुत्व। 1991 में एक बार अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ दौरे पर आए थे। कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे। वाजपेयी जी पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक ले रहे थे जिसमें कल्याण सिंह भी मौजूद थे। बैठक के बीच अपनी बात रखते हुए कल्याण ने खड़े शब्दों में अटल से कहा, साहब समाज में समानता और समरसता नहीं होगी तो आप हिंदू समाज की कल्पना नहीं कर सकते, आपका हिंदुत्व खोखला है। फिर कुख्यात शूटर श्री प्रकाश शुक्ला ने 6 करोड़ में कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ली थी। यह बात जैसे ही सत्ता के गलियारों में पहुंची तो श्री प्रकाश शुक्ला के खात्मे के लिए 4 मई 1998 को UPSTF का गठन किया गया। इसके बाद 22 सितंबर 1998 को गाजियाबाद में STF ने एक मुठभेड़ में श्री प्रकाश शुक्ला को मार गिराया। अलीगढ़ जिले के अतरौली तहसील के मढ़ौली गांव में 5 जनवरी 1935 को एक साधारण किसान परिवार में जन्मे कल्याण सिंह बचपन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। जैसे जैसे पार्टी का स्वरूप बदला वैसे वैसे कल्याण का सियासी कद भी बढ़ता गया। जनसंघ से जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी हुई तो वहीं कल्याण सिंह नेता, विधायक और फिर मुख्यमंत्री हुए। कल्याण सिंह का कार्यकाल उनकी ईमानदारी के लिए भी याद रखा जाता है। खैर सियासी जानकारों की माने तो अगर उन्होंने बीजेपी न छोड़ी होती तो आज के दौर में वो बीजेपी के सबसे बड़े नेता होते। पार्टी में उनके गत का अंदाज इसी से लगा लीजिए कि उस दौर में अटल आडवाणी के बाद वे तीसरे नंबर के नेताओं में शुमार होते थे।